एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बनाने वाले हैं, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे कितने टाइम से सब लोग बोल रहे थे कि मैं एक मींस किड्स के लिए कोई वीडियोस बनाऊं, तो मैंने स्टार्ट किया है। अभी धीरे धीरे किड्स के लिए और भी वीडियोस मैं बनाऊंगी। इसमें मैं इजी टेक्निक्स बताने वाली हूँ फ्लावर्स बनाने के लिए। मैं डोम्स के कलर यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी स्केच कलर्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हो, कोई भी स्केच कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हो, और कोई भी पेंसिल, कोई भी आपके पास जो भी आर्ट बुक है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैंने दो सर्कल बनाए हैं, सेंटर वाला सर्कल बनाया, उसके बाद बड़ा सर्कल बनाया। अब मैं इसमें बीच में देखो लीव्स बना रही हूँ, दिख रहा है आपको? ऐसे ही आपको लीव्स बनानी है। इसलिए हम बना रहे हैं ये बाहर वाले सर्कल को, ताकि हमारा जो लीव्स है ना वो एकदम एक्यूरेट बने। तो आपने फ्लावर्स देखे हैं, फ्लावर्स के पेटल्स जो होते हैं वो कितने एक्यूरेट होते हैं, मीन्स अरेंजमेंट उनकी एकदम से राउंड में होती है। तो वैसे ही हमने क्या किया है, इसको मैंने एक छोटा सर्कल बनाया है जिसमें हम लोग बीच में पोलंस बनाएंगे इसके, और एक आउटर सर्कल बनाया है। आउटर सर्कल के हिसाब से फिर हम इसको पेटल्स को ड्रॉ करेंगे। और मैं हमेशा आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि पेशेंस के साथ में बनाना है। और जो भी ये पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, और मुझे बहुत, क्योंकि मैं जब क्लासेस लेती हूँ ऑनलाइन, तो मुझे काफ़ी सारे जो पेरेंट्स होते हैं ना वो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चा इतना अच्छा नहीं बना रहा, वो इतना अच्छा बना रहा है। तो ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, और आप, हर बच्चा एक यूनिक होता है, तो आप उनको फोर्स मत करो कि वो उसकी तरह बने, वो उसकी तरह बने। तो जैसा आपका बच्चा बना रहा है आप उसको बनाने दो, उसको प्रैक्टिस करने दो, प्रैक्टिस करेगा तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी उसकी ड्राइंग। कभी भी ना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मुझे मोस्टली ये वाले बहुत आते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि कंपैरिजन कर रहे हो आप लोग, तो कंपैरिजन मत करो। आपका बच्चा जो बना रहा है आप उसको बनाने दो। मैं भी ऐसे बचपन में ऐसे ही कुछ भी बनाती रहती थी, ठीक है। अभी मैं जो बना रही हूँ, जो भी मेरी पेंटिंग्स हैं वो सब मैंने खुद से सीखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बोलने लग जाओ कि बच्चा ऐसा बनाएगा वैसा बनाएगा ये वो, नहीं, बच्चे को बनाने दो यार, बनाने दोगे तो वो फिर सीखेगा अपनी, अपने आप से। कलर से एक ऐसी चीज़ है जो खुद से बच्चे करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें तो खुद सीखते हैं। आप उनके सामने ऐसे वीडियोस चला के रखो, बाकी सब चीज़ें लर्निंग वाली चीज़ें रखो, और कभी भी ना कंपेयर मत करो। कंपेयर करोगे तो फिर वो उसी में लगा रह जाएगा कि मुझे उससे आगे निकलना है। तो ऐसे मैंने फिर बनाया इसको। आई थिंक ये बहुत ईजी टेक्निक सब मैंने इसमें यूज़ की हैं। मैं इसमें डोम्स के कलर ले रही हूँ, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिए 5 कलर्स, इन्हीं 5 स्केच पेन से मैं बनाने वाली हूँ। तो हम क्या करेंगे, सेंटर वाला ये जो पोर्शन है इसको मैं येलो कर रही हूँ। ओके, अभी हम क्या करेंगे, पहले सारे बेस कलर्स हम लोग भर देंगे। और जब भी आप किसी में भी स्केच पेन यूज़ करते हो तो इसमें टिप्स आप याद रखो। टिप्स ये है कि आप सबसे पहले उसकी आउटर लाइन करोगे। आउटर लाइन इसलिए करोगे, आउटर लाइन करोगे तो आपको पता रहेगा कि मुझे उसी एरिया में कलर फिल करना है। तो स्केच पेन के लिए, या कोई भी आप बिगनर में हो, बिगनर स्टेज पे हो, बिगनर में आप पेंटिंग करना चाहते हो या कोई भी स्केचिंग, कलरिंग, कुछ भी करना चाहते हो, सबसे पहले उसका आउटर एरिया आपको फिल करना है। और स्केच पेन का सेकंड टिप ये है कि आप कभी भी जब कलर कर रहे हो तो उस पे वापस से, उस कलर पे वापस से आपको स्केच पेन यूज़ नहीं करना है। उससे क्या है, पेपर में छेद हो जाता है। आपने देखा है ना कि कितनी बार कलर ख़राब हो जाते हैं, हम लोगों का पेपर पूरा का पूरा छेद हो जाता है उसके अंदर, या हम लोग बोलते हैं कि स्केच पेन अच्छे नहीं थे तो इसलिए नहीं हो पाया, कलर ख़राब हो गया मेरा। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप ना वापस से उसके ऊपर वापस से 2-3 बार आप करोगे ना स्केच पेन से, तो वो वहाँ पे कागज़ को गीला कर देता है, और जिसकी वजह से जो आपका वो है ना आर्ट बुक, उसमें छेद हो जाता है। तो आपको ये टिप याद रखना है, आपको एक एरिए से स्टार्ट करना है, सेकंड एरिए पे आना है, थर्ड एरिए पे, ऐसे ऐसे करके आपको स्प्रेड करते हुए कलर करना है, एक के ऊपर एक कलर नहीं करना है, ठीक है। और हमेशा ये याद रखना, जब भी आप ये आउटलाइन करोगे या ये सब करोगे तो आप थोड़ा सा वेट करोगे, ठीक है, जिससे कि जो पहले वाला है ना वो सूख जाए, ओके, ड्राई हो जाए। ड्राई होने के बाद ही आप इसकी आउटलाइन करोगे, वरना वापस से वही वाली इशू होगा कि आपका छेद हो जाएगा उसमें। अभी मैं देखो ये ब्लैक से इसकी आउटर लाइन कर रही हूँ, और जस्ट मैंने इसको एक लुक देने के लिए आउटर लाइन किया है।
आप ब्राउन कलर का भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो अभी बताओ कैसा लग रहा है ये। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो जो मैंने टिप्स दिए हैं उनको फॉलो करो और मैं नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगी, फिर हम उसके अकॉर्डिंग और सीखेंगे, ठीक है। अभी ये एक स्टार्टिंग था मेरा बच्चों से रिलेटेड। अभी और वीडियोस बनाऊंगी, बट ऐसे नहीं कि रेगुलर बेस पे बनाऊंगी, अपकमिंग वीडियोज़ में कंटिन्यू बनाती रहूँगी बीच बीच में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।